दोस्तों, हमारी दुनिया जितनी बड़ी है उससे बड़े बड़े रहस्य भी इसमें छिपे हुए हैं। इन्हीं रहस्य में से एक अजीब रहस्य नागा साधुओं की दुनिया के बारे में है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि महिला नागा साधुओं के बारे में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इम्पोर्टेंट थिंग्स में। आज की वीडियो में आगे बढ़ते हुए जानेंगे महिला नागा साधुओं से जुड़े कई रोचक तथ्यों के बारे में। आइए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाइए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। आप सभी ने कई बार पुरुष नागा साधुओं को देखा होगा व उनके बारे में पढ़ा होगा, लेकिन शायद आप महिला नागा साधुओं के बारे में नहीं जानते होंगे। आपको बता दें कि महिला नागा साधुओं की रस्मी दुनिया से बहुत ही कम लोग परिचित हैं। महिला नागा साधुओं का जीवन भी काफी रोचक पहेलियों से भरपूर होता है। इतना ही नहीं, इस संसार में बहुत ही कम लोग इन महिला नागा साधुओं के बारे में जानते हैं। किसी भी महिला नागा साधु बनने से पहले उसे 6 से 12 साल तक कठिन ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। इसके बाद गुरु इस बात से संतुष्ट हो जाए कि वह महिला ब्रह्मचर्य का पालन कर सकती है तो वह उसे भिक्षा दी जाती है, और महिला को नागा साधु बनने से पहले अपना पिंडदान तर्पण करना पड़ता है। किसी भी महिला को नागा संन्यासी बनाने से पहले उसका मुंडन किया जाता है और उसे पवित्र नदी में नहलाया जाता है। संन्यासी बनने से पहले महिला को ये साबित करना पड़ता है कि उसको अपने परिवार व समाज से कोई लगाव नहीं है और अब सिर्फ वह भगवान की भक्ति में लीन होना चाहती है। इस बात की संतुष्टि हो जाने पर ही उसे भिक्षा दी जाती है। आपको बता दें कि सिंहस्थ कुंभ में पुरुष नागा साधुओं के साथ महिला नागा साधु भी शाही स्नान करती हैं। पुरुष नागा साधु व महिला नागा सन्यासी में फर्क सिर्फ इतना है कि महिला नागा को एक पीला वस्त्र लपेटकर रहना होगा और यही कपड़ा पहनकर वह स्नान करना होगा। इसी तरह महिला नागा को काम, लोभ, छल, कपट, गृहचर्य छोड़कर अन्य नियमों का पालन करना पड़ता है। तो दोस्तों, ये था महिला नागा साधुओं के बारे में रोचक तत्व। कैसी लगी जानकारी आप हमें कमेंट के बाद जरूर बताएं। महिला नागा साधुओं के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी हमें जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करना व शेयर करना ना भूलें, और ऐसी अपडेट के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।